बुधवार को होली के बाद कार चलाने वालों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट ने बड़ी राहत पहुंचाई। बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम 8 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए। इनकी कीमतों में लंबे अरसे के बाद 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 69 पैसे घटकर 70 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल के दाम भी 2 रुपए 33 पैसे की गिरावट के साथ 63 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हुई। रूस और सऊदी अरब के बीच चल रहे प्राइस वॉर और कोरोना वायरस के चलते कच्चे तेल की कीमतों में 30% की गिरावट आई है। ये 1991 के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इन संकेतों के बाद जानकारों का मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम में आगे भी कमी देखी जा सकती है। इस समय कोरोना वायरस की इम्पैक्ट की वजह से चाइना ने अपने क्रूड ऑयल की परचेजिंग लगभग 8 से 10% कम कर दी है और जिससे कच्चे तेल की यहां पर सप्लाई बढ़ गई है। $25 का लो आप देख चुके हैं और उम्मीद है कि $22 से $25 के बीच के लो फिर से आपको नजर आएंगे। तो ऐसे में यहां पर इकोनॉमी में एक जो इस समय क्रूड ऑयल की वॉर चल रही है उसकी वजह से दामों में एक बड़ी गिरावट यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले ज्यादा कमजोर ना होता तो पेट्रोल डीजल के दाम कहीं ज्यादा तेजी से घट सकते थे। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी की बड़ी वजह आर्थिक सुस्ती की वजह से डिमांड में आई कमी भी है। ऐसे में निवेशक सोने में पैसा डालकर संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सोने की इसी ललक ने इसके दाम 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा दिए हैं। जानकारों का मानना है कि इसके दाम आगे अभी और तेजी से बढ़ सकते हैं। फिलहाल सोने के दाम अभी $1,670 के पास हैं और बहुत जल्द आपको ये $1,700 तक आते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कच्चे तेल की वॉर का, कोरोना वायरस के इम्पैक्ट और इकोनॉमिक में बढ़ती गिरावट, इसकी वजह से सोने की चमक अभी और बढ़ेगी और भारतीय बाजारों पर सोना इस साल अगर बात करें तो करीब आपको 45,000 से 48,000 के बीच जाता हुआ नजर आ सकता है। सोने के साथ ही चांदी भी निवेशकों को लुभाने में पीछे नहीं है। इसके दाम में तेजी को लेकर भी जानकारों को पूरा यकीन है। सोने और चांदी में एक तेजी बनती हुई नजर आई है। अब ऐसे में इस साल के अंत तक चांदी आपको 50,000 के भाव दिखा सकती है। तो अगर आप निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो सोने से कहीं ज्यादा आपको चांदी में फायदा मिलेगा। और अगर आप इस समय जो भाव है वो 45,000 और 43,000 के बीच में चांदी में निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा, 15 से 20% तक का मुनाफा आपको मिल सकता है। पेट्रोल डीजल से लेकर सोने चांदी तक कमोडिटी के इन महत्वपूर्ण हिस्सों की चाल में इस तरह का बदलाव अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। अब तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्दी से कोरोना का असर खत्म हो और सभी सामान वाजिब दाम पर मिले जिससे इकोनॉमी फिर से तेज रफ्तार से दौड़ सके।